आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए कि प्रभु ने ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया। आज दिन भर में परमेश्वर ने हमें संभाला, इस समय को परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज दिन भर के दुर्घटना से, खतरे मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से, विपत्तियों से बचा कर रखा और ये समय दिखाया। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इस समय को नहीं देख पाए, पर हम प्रभु का धन्यवाद करें कि उसके अनुग्रह से हम ये समय को देख पाए। तो आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 34:4 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमेन। सच में हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानियों से निकालता है, हमारे मन के हर एक डर से निर्भय करता है, वो हमें सहारा देता है, वो हमारा सहायक बनता है। तो आइए हम इस वचन के अनुसार प्रार्थना में जाएंगे और जितने भी भाई बहन हमें फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब के लिए हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि पिता आपने प्रभु ये सुंदर शाम को हमारे जीवनों में दिया। प्रभु पिता परमेश्वर हम हर एक जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, पिता यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हर एक को तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु। आप हर एक की सुधि लीजिए परमेश्वर प्रभु। सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। प्यारे खुदावन आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु परमेश्वर हैं, करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु, सर्वदर्शी परमेश्वर प्रभु। आपकी तारीफ हमारे जीवनों से होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे साथ, हमसे वायदा करते हैं कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। आप हमें निर्भय करते हैं परमेश्वर, आप हमारे भय को दूर करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का भय हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी मौजूदगी हमारे साथ में है परमेश्वर प्रभु। हर एक जन के लिए प्रभु मैं तुझसे आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक की जरूरतों को पिता आप पूरी करें प्रभु जी। यदि किसी भी प्रकार का डर प्रभु किसी के अंदर है यीशु मसीह, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उस डर को दूर करके प्रभु आप उन्हें निर्भय करें पिता परमेश्वर। कोई भी भय उनके जीवन में ना रहे प्रभु जी। पिता यदि कोई भी प्रभु शैतान की युक्तियों से डरता है, कोई भी प्रभु जी गलत बातों से डरता है, यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप उस सारे डर को, उस गलत बातों को उनके जीवन से निकाल बाहर करें प्रभु और उन्हें प्रभु अपनी असीम शांति को दें, अपनी अपनी करुणा को प्रभु उनके जीवनों में दी पिता परमेश्वर। प्रभु हम हर एक जन के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता। हर एक के घर परिवार पर आप अपनी सुख समृद्धि दे, अपना आनंद दे प्रभु। किसी के भी अंदर प्रभु प्रभु किसी के भी अंदर डर और भय का आत्मा ना रहे प्रभु यीशु। हर एक डर को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कैंसिल करते हैं प्रभु पिता यीशु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार का डर आप उनके जीवनों से दूर करें पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कोई तेरे पास आता है, जो कोई तुझसे प्रार्थना करता है, तू पूर्ण रीति से, पूरी रीति से उन्हें निर्भय करता है परमेश्वर पिता। इस वचन के अनुसार हर एक का डर यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। यदि कोई प्रभु डिप्रेशन में है प्रभु, किसी भी प्रकार के डर में है, यीशु मसीह उस डिप्रेशन से बाहर निकाले, उस डर से बाहर निकाले, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता। आज की पूरी शाम में परमेश्वर तुझसे प्रार्थना है हर एक जन के जीवन में प्रभु आप अपनी आशीषों को दें प्रभु, आप अपनी भलाइयों को दें प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुने, आप उनकी सुधि लें परमेश्वर। चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रार्थना है, लड़ाई झगड़ों का डर परमेश्वर, मारपीट का डर, यीशु मसीह इस सारे डर को आप उनके जीवन से दूर करें परमेश्वर पिता।
प्यारे खुदावंद, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो पिता लोग डर डर के जीते हैं यीशु मसीह, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें निर्भय आत्मा दे परमेश्वर पिता, डर का आत्मा उनके जीवन से दूर करे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावंद, हर एक पर आपका अनुग्रह हो सबके लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के परिवार को दुष्ट की गलत युक्तियों से बचाएं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको बीमारियों से बचाएं, कलेश से बचाएं प्रभु, गलत विचारों से बचाएं पिता परमेश्वर, नेगेटिव बातों से बचाएं परमेश्वर पिता, गड़बड़ियों से बचाएं पिता, कर्जों से बचाएं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, हर एक के रिलेशनशिप को पिता आप गलत बातों से बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज की रात के लिए, मीठी और अच्छी नींद को मांगते हैं प्रभु आपसे पिता परमेश्वर, कि आप हर एक को पिता अच्छी और मीठी नींद प्रदान करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।